हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आज बनाने वाली हूँ बेसन की न्यू रेसिपी। तो बेसन है नहीं मेरे पास, तो मैंने भिगोए थे दिल चने की दाल मतलब, और इसमें मैंने ऐड किया है नमक और हल्दी और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर है ये, और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला और लाल मिर्च। सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं, नमक भी ऐड करना है। और इधर मैंने रखा है ये कद्दूकस करके लहसुन और क्या है अदरक, ये मैंने रखा है। और ये हो गया टमाटर, प्याज ये मैंने छोटा छोटा थोड़ा सा बारीक कट किया है, और थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा मैंने कट किया है। और इधर ये एक हो गया शिमला मिर्च। और अभी जो है दही और पनीर थोड़ा सा चाहिए मुझे, जो मैंने मंगाया है तो लेने गए हैं, अभी नहीं आया। तब तक मैं अपनी सब्जी बना। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसको अब गर्म होने देंगे। और इसमें आपको दिख रहा है हल्का हल्का सा पानी, तो ये सूख जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि अगर एक बूंद भी पानी रह गया ना तो फिर तेल की ऐसी की तैसी हो जाती है, पता है आप लोगों को। और इसमें ऐड करेंगे हम तेल, तेल को गरम होने देंगे। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक मैं निकालूंगी इधर। तेल हमारा गरम हो चुका है और अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज और शिमला मिर्च। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें प्याज में और शिमला मिर्च में जो है स्पॉट ना पड़ जाए। तब तक हमको इनको पकाना है, मतलब इसमें फ्राई करना है अच्छे से, बहुत देर तक नहीं पकाना हमको इन्हें। तो फ्रेंड्स, हमारा शिमला मिर्च और प्याज हो चुका है फ्राई, और गैस को मैंने कर दिया ऑफ। और अब सारी वेजिटेबल्स को हम निकालेंगे बाहर। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सब्जी निकाल ली है और ये तेल फिर से रखा है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। तो मेरे पास जीरा तो है नहीं, ख़त्म हो गया, तो ये मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें जीरा पाउडर। खड़ा जीरा हो तो वो डालिए, ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें प्याज, प्याज को भी हमको जो है ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जलना नहीं चाहिए, मतलब प्याज बस हल्का सा सॉटे करना है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब इनको हमें पकाना है धीमी धीमी आंच पे, धीरे धीरे पकने देना है थोड़ी देर के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, और 2 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर, हल्दी, और ये हो गया लाल मिर्च। और ये हो गया हमारा गरम मसाला, और उसके बाद नमक। अब सारा मसाला जो है हम यहाँ पर करेंगे मिक्सअप, और इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें हमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, क्योंकि धीमे धीमे मसाला पकेगा हमारा तो फिर पानी कम पड़ सकता है। तो फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, और ढक देंगे इसे, हम धीमी आंच पे पकने देंगे। तब तक उधर तैयारी करते हैं हम अपने बेसन की। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरा जो बेसन वाला मिक्सर है, मतलब जो कुछ मैंने इसमें सारे मसाले और सब ऐड किया था, वो बनके हो गया रेडी। और अब हम भरेंगे, एक ये है मेरे पास पॉलीथीन, इसमें हम भरेंगे। तो देखिए, मेरा जो है मसाला पक चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड, थोड़ा सा दही। और अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐड किया है दही, क्योंकि मेरे पास क्रीम नहीं थी, और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में।
और इसको हम पकने देंगे अभी थोड़ी देर के लिए। और तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैंने इस पॉलीथीन में भर लिया है सारा पैटर्न, और अब इसको ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है पूरे उसमें, पूरी कढ़ाई में। तो देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है और चने के जैसा सेफ लग रहा है। तो इसी तरीके से भरनी है पूरी कढ़ाई अच्छे से, एक पास से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है सेफ। लेकिन पहले मैंने इधर उधर करके डाल दिया तो फिर सही नहीं दिख रहा है, फिर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं चने के जैसा बिल्कुल लग रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी ड्रॉप्स डाल दी है, और हाथ में गर्म लग रहा था तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया था और फिर से मैंने गैस को ऑन किया है। और अब मैं इसे ढक दूंगी और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे इसे। बिल्कुल चने का सेफ लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब मैंने इनको खोला है तो आप लोग देख सकते हैं अब ये फूटेंगे नहीं बिल्कुल। इनको हमें पूरे नीचे से छुड़ाना है क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा है और ऊपर से दही पड़ा है, तो फिर ज़्यादा नहीं चिपकेंगे मसाले क्योंकि पानी भी थोड़ा सा था, लेकिन कम ना हो पानी इतना याद रखें। और अब हम ऐड करेंगे इसमें पानी, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो। तो पानी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे जो तला हुआ रखा था, और उसके बाद मैं कद्दूकस करूँगी, थोड़ा सा पनीर और उसको भी ऐड कर देंगे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरी टेस्टी सब्जी बनके हो गई है रेडी, और बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में, देख सकते हैं आप लोग। तो बताइएगा कमेंट में वीडियो